Good morning, student. Today we discuss about care of plants. We should always wear clean and dry clothes. हम लोग हमेशा clean और dry clothes. Dirty cloth gives bad smell and it contains germs, it harmful for our body. मतलब जो dirty cloth होते हैं उसमें bad smell देता है और वे germs उसमें contains होने के कारण हमें हार्म हो जाते हैं. या हम लोग वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लॉथ टू कीप देम इन ए गुड कंडीशंस फॉर ए लॉन्ग टाइम. क्लॉथ को लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग कंडीशंस के लिए हमें प्रॉपर केयर में रखना जरूरी होता है. इसके कई प्रोसेस हैं, वॉशिंग, ड्राइंग, आयरनिंग एंड स्टोरेज. वॉशिंग क्या होता है और कैसे करते हैं? तो वी शुड वॉश क्लॉथ्स विद सॉफ्ट डिटर्जेंट एंड वाटर. हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट या डिटर्जेंट में थोड़ा पानी मिला करके और क्लॉथ को भिगो देते हैं. आफ्टर अप्लाइंग सॉफ्ट क्लॉथ शुड रिंस प्रॉपरली. उसके बाद उसे कपड़े को अच्छी तरह से रिंस करते हैं विद क्लीन वाटर और क्लीन वाटर के साथ. दूसरा है ड्राई. आफ्टर वॉशिंग यानी कि वॉशिंग करने के बाद वी शुड ड्राई वॉश क्लॉथ इन द सन यानी कि सन रेज में हमें उसे क्या करते हैं, ड्राई करते हैं. एंड बट कलर्ड क्लॉथ, जो कलर्ड क्लॉथ होता है उसे शुड बी ड्राइड इन शेड में हमें उसे ड्राई करनी चाहिए. अगला प्रोसेस है आयरनिंग. आफ्टर ड्राइंग क्लॉथ यानी कि जब क्लॉथ जो है ड्राई हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं यानी कि आयरन प्रॉपरली. आयरन को करने से पहले हमें देखनी चाहिए कि क्लॉथ को के अनुसार उसका टेम्परेचर होनी चाहिए. आयरनिंग करने से इट रिमूव द व्रिंकल्स यानी कि जो क्लॉथ होते हैं वे व्रिंकल्ड हो जाते हैं यानी कि मुड़ जाते हैं, उससे यह रिमूव हो जाते हैं यानी कि सीधा हो जाता है एंड गिव देयर अ स्टाइल और साइन देते हैं. आयरनिंग के बाद स्टोरिंग प्रोसेस है. आफ्टर आयरनिंग यानी कि आयरन करने के बाद वी शुड कीप प्रॉपर प्लेस, हमें क्लॉथ को प्रॉपर प्लेस में रखनी चाहिए. बट इफ वी डू नॉट वांट टू वियर, यदि हम लॉन्ग टाइम के लिए कपड़े को पहनना नहीं चाहते यानी कि उसे कुछ दिन के लिए रख देते हैं, तो क्या हमें करनी चाहिए कि वी शुड बी स्टोर विद प्रॉपर केयर, उसे हमें प्रॉपर केयर के साथ रखनी चाहिए ताकि ये इंसेक्ट या रैट्स उसे हार्म नहीं पहुंचे. ओके okay?